हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्रानेक्जामिक एसिड इंजेक्शन के बारे में। ये एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक इंजेक्शन होता है। इसका यूज़ किया जाता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। जब किसी पेशेंट में किसी कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की संभावना होती है। तो इस वजह से इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। ये इंजेक्शन 5 ml एम्प्यूल के पैकेज में आता है, जिसमें 100 mg ट्रानेक्जामिक एसिड पर ml होता है। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड के नाम से भी मिलता है, जैसे कि ट्रानेक्जा इंजेक्शन, पॉज इंजेक्शन। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड मार्केट में इसके अलावा अलग अलग और ब्रांड के नाम से आता है, जिसमें ट्रानेक्जामिक एसिड होता है। एंड इसका यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी कि क्लॉटिंग के लिए। ट्रानेक्जामिक एसिड इंजेक्शन के अलावा टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है। अब देखते हैं ट्रानेक्जामिक एसिड इंजेक्शन का यूज़। इसका यूज़ किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस में। सर्जिकल प्रोसेस में सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले इसका यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ताकि ब्लड लॉस ना हो। एंड एक्सीडेंट में जो ब्लीडिंग होने लगती है, उसको भी स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई इंजरी हो तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर, पाइल्स, अगर इन सब चीज़ों के वजह से स्टूल में अगर ब्लड आती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ट्रानेक्जामिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर खांसी में भी ब्लड आ रही है, तो उस टाइम भी इसका यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली ट्रानेक्जामिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ है कि ब्लड लॉस होने से रोकता है ये, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिससे ब्लड लॉस ना हो हमारी बॉडी में।